Welcome to online lecture of Sharad Vimore English High School. So today I am going to teach you EVS 1 lesson number 15, Communication and Mass Media. Okay. Now see, can you tell? We watch TV programs on many different channels. Where do they came from? अब देखो, हम जो है TV पे normally बहुत सारे different channels change करते हैं, right? डिफरेंट चैनल्स लगाते हैं. सो ये सारे जो चैनल्स हैं जो हम चेंज करते रहते हैं, हमारी चॉइस का चैनल लगाते, तो वो कहाँ से आते हैं? वी टॉक टू अदर्स ऑन अवर मोबाइल फोन्स. व्हाट मेक कम्युनिकेशन ऑन अ मोबाइल फोन पॉसिबल? अब देखो, हम जो है किसी और से फ़ोन पे बात करते हैं, राइट, मोबाइल फोन पे कम्युनिकेट करते हैं. तो क्या ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से हमारा जो ये कम्युनिकेशन है, जो हम मोबाइल फ़ोन पे जो लॉन्ग डिस्टेंस पे लोग उनसे बात कर लेते, तो ये क्या ऐसी चीज़ है जिससे ये पॉसिबल होता है? ओके, इन द फर्स्ट चैप्टर वी लर्नड अबाउट लॉन्चिंग ऑफ स्पेस क्राफ्ट एंड आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स. अब देखो, आपने फर्स्ट चैप्टर में क्या पढ़ा था कि कैसे लॉन्च होता है, क्या लॉन्च होता है? स्पेस क्राफ्ट और आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, राइट. नाउ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स आर यूज्ड इन मॉडर्न मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन. अब देखो, ये जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स जो होती है, सी ओ वाई है, देखो यहाँ पे ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स गिवन है पिक्चर में. सो ये जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट होती है वो यूज़ क्यों होती है? ताकि उससे हम ये जो मॉडर्न मेथड है कम्युनिकेशन का, मींस जो हम मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं, ये सारे जो मॉडर्न मेथड्स है वो उससे पॉसिबल हो सके. ओके, द सिग्नल्स आर डिलीवर्ड वेरी क्विकली फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर. अब देखो, ये जो सैटेलाइट है इसकी वजह से क्या होता है, जो सिग्नल्स होते हैं मोबाइल फ़ोन के, वो बहुत क्विकली मीन्स वेरी क्विकली जो है वो डिलीवर्ड होते हैं. कहाँ से? वन प्लेस से अनदर, मीन्स एक जगह से दूसरी जगह पर वो सैटेलाइट की वजह से एकदम क्विकली क्या होते हैं, डिलीवर होते हैं. ओके, नाउ फॉर एग्जाम्पल, वी वॉच द लाइव टेलीकास्ट ऑफ एनी इवेंट गोइंग ऑन इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, फॉर एग्जाम्पल फुटबॉल और क्रिकेट मैचेस. अब देखो, हम लोग क्या करते हैं, वी कैन वॉच द लाइव टेलीकास्ट. अभी हम लोग देखो, कोई जैसे फुटबॉल मैचेस हो गई, क्रिकेट मैचेस हो गई, राइट, तो उसको क्या करते हैं, कभी कभार हम लाइव देखते हैं, राइट, जो वहाँ पे मतलब जो ऑन गोइंग रहता है वही हमें क्या होता है, टीवी पे दिखाता है, लाइव टेलीकास्ट दिखाता है. विद द हेल्प ऑफ मोबाइल फोन्स वी कैन डायरेक्टली टॉक टू द पीपल इन अदर कंट्रीज. अब देखो, मोबाइल फ़ोन की हेल्प से क्या होता है, जो लोग हमारे मतलब दूसरी कंट्री में है, इंडिया में नहीं है, उनसे भी क्या होती है, इजीली बात हो जाती है. किससे बात होती है? मोबाइल फ़ोन से बात होती है, राइट. द प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर कैन एड्रेस द एंटायर नेशन एट द सेम टाइम ओवर द रेडियो और टीवी. अब देखो, हमारे कंट्री के प्रेसिडेंट हो या प्राइम मिनिस्टर हो, वो अपने पूरे एंटायर नेशन से, वो पूरे एंटायर मीन्स होल इंडिया से, वो एक ही टाइम पे क्या कर सकते हैं, सबसे बात कर सकते हैं. किसकी वजह से? या तो रेडियो से या तो फिर टीवी से, राइट. नाउ सी, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स आर लॉन्च्ड इनटू स्पेस बाय मींस ऑफ रॉकेट. दे आर यूजफुल फॉर कम्युनिकेशन. अब देखो, ये जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट है वो स्पेस में कैसे लॉन्च होती है? रॉकेट से. ओके, दे आर यूजफुल फॉर कम्युनिकेशन. और वो हमारे लिए क्या यूजफुल रहती है सैटेलाइट? उससे हम इजीली कम्युनिकेट कर पाते हैं. ओके, नाउ डू यू नो, क्या आपको पता है, इन इंडिया वी यूज़ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स फॉर कम्युनिकेशन. अब देखो, हमारे इंडिया में हम लोग आर्टिफिशियल सैटेलाइट का यूज़ करते हैं किसके लिए? कम्युनिकेशन के लिए. ओके, दिस सैटेलाइट आर कॉल्ड द इंडियन नेशनल सैटेलाइट. अब देखो, ये सैटेलाइट को क्या बोला जाता है? द इंडियन नेशनल सैटेलाइट, INSAT. ओके, नाउ सी, कैन यू टेल, स्टडी द पिक्चर गिवन बिलो, राइट द नेम ऑफ द इमोशन दैट यू सी ऑन ईच फेस इन द बॉक्स बिलो इट. अब देखो, आप लोगों को ये जो पिक्चर है इसको बहुत ध्यान से देखना है. ओके, उसके बाद में आपको बताना है कि आप ये जो फेसेस दिए हुए हैं यहाँ पे, इसमें आपको क्या इमोशंस दिख रहे हैं, क्या इमोशंस आप सीन कर रहे हो. वी कैन अंडरस्टैंड अ पर्सन फीलिंग्स बाय लुकिंग एट द एक्सप्रेशन ऑन देयर फेस. अब देखो, हमें कोई पर्सन, जो कोई सामने वाला पर्सन है, वो क्या फील कर रहा है, हमें कैसे पता चल जाता है? बाय लुकिंग एट द एक्सप्रेशन, राइट. हमें उसके एक्सप्रेशन, फेस के एक्सप्रेशन देख के हम किसी की भी पर्सन की फीलिंग्स जान सकते हैं, राइट. द एक्सप्रेशन ऑन अ पर्सन फेस एंड अदर गेस्चर कम्युनिकेट अ मैसेज टू अस. अब देखो,
वो पर्सन जो है उसका उसका एक्सप्रेशन जो होता है, वो सामने जो एक पर्सन है उसके फेस पे जो एक्सप्रेशन होता है उससे क्या हो जाता है, हमें एक गेस्चर हो जाता है कि वो जो सामने वाला इंसान है उससे अब कैसे कम्युनिकेट करना है। वी रिसीव मैसेजेस और इन्फॉर्मेशन थ्रू कम्युनिकेशन। अब देखो हम लोग मैसेजेस रिसीव करते हैं राइट, किससे, इन्फॉर्मेशन थ्रू कम्युनिकेशन, मतलब कम्युनिकेशन की वजह से हम लोग इन्फॉर्मेशन किसी से भी मैसेजेस रिसीव करते हैं। द एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। अब देखो जो एक्सचेंज होता है इन्फॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह, जब वो एक्सचेंज होता है इन्फॉर्मेशन उसे क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन। ओके, इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन। अब देखो इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट जो है वो भी क्या है, कम्युनिकेशन का एक पार्ट है। इन्फॉर्मेशन इज यूजफुल फॉर कंस्ट्रक्टिंग नॉलेज। अब देखो जो इन्फॉर्मेशन होता है वो किसके लिए यूजफुल होता है, कंस्ट्रक्टिंग नॉलेज, मीन्स नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करने के लिए जो इन्फॉर्मेशन है वो यूज होता है। ओके, नाउ कैन यू टेल, नाउ सी ओवर हियर, देखो सैटेलाइट से क्या होता है, टीवी, टीवी पे सैटेलाइट आती है राइट, फिर न्यूज़पेपर में भी इन्फॉर्मेशन आती है, रेडियो में, मीडिया में। ओके, नाउ सी स्टडी द पिक्चर ऑन द अपोजिट पेज इन द बॉक्स बिलो, राइट द नेम्स ऑफ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन दैट आर बीइंग यूज्ड। अब देखो ये जो अपोजिट पेज है इस पे कौन सी मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन यूज हुए वो आपको ये बॉक्स में लिखना है। ओके, नोट डाउन द डिफरेंट काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन यू कैन ऑब्टेन फ्रॉम अ न्यूज़पेपर। अब देखो आप जो है न्यूज़पेपर से क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है, एजुकेशनल मिलती है राइट, पॉलिटिकल मिलती है, गेम्स की इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो जो जो न्यूज़पेपर से आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलती है वो क्या करना है आप लोगों को यहाँ पर लिखना है। ओके, नाउ एडवांटेजेस ऑफ टेली कम्युनिकेशन एंड मास मीडिया। अब देखो एडवांटेजेस क्या होते हैं किसके, टेली कम्युनिकेशन के और मास मीडिया के। वी कैन ईजिली कॉन्टैक्ट पीपल फार अवे फ्रॉम अस। देखो उसका क्या एडवांटेज होता है कि हम लोग ईजिली वो लोगों से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं जो हमारे से बहुत दूर रहते हैं राइट। द टाइम एंड एफर्ट स्पेंड इन चेंजिंग इन्फॉर्मेशन कैन बी सेव्ड। अब देखो जो बहुत ज़्यादा मतलब इन ओल्डन टाइम्स पुराने टाइम पे क्या होता था, बहुत ज़्यादा टाइम लगता था राइट कोई भी इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज करने में, कोई और जगह पर पहुँचाने, लेकिन अब क्या होता है मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन आने की वजह से जो टाइम है वो भी सेफ हो जाता है। दे हेल्प टू रेज अवेयरनेस अबाउट इशू सच एज इन्वायरमेंटल बैलेंस, जेंडर इक्वालिटी एंड क्लीनलीनेस। अब देखो ये जो है यस दे हेल्प टू रेज अवेयरनेस। अब देखो वो जो है वो क्या हेल्प करते हैं हमें अवेयरनेस को रेज करने राइट, जैसे कि कैसे कैसे इश्यूज रहते हैं, इन्वायरमेंटल बैलेंस होता है, जेंडर इक्वालिटी होता है और क्लीनलीनेस राइट। नो पीपल कैन बी forewarned about natural disaster like storms, tsunamis, flood, etc. अब देखो जो natural disasters आते हैं, जो कुदरती चीज़ें होती है जैसे कि storms हो जाते हैं right, tsunami आती है, कभी flood आता है, बाढ़ आती है, ये etc. तो ये सारी चीज़ें हमें क्या होता है, ये modern means of communication की वजह से हमें पहले ही पता चल जाता है कि ऐसा कुछ आने वाला है क्या, थोड़े टाइम पहले ही हमें इसके बारे में न्यूज़ मिल जाती है right? They build awareness about health, education facilities, good things happening in society, etc. अब देखो ये सारी जो चीज़ें वो क्या करती है हमारे अंदर awareness पैदा करती है, build awareness right about health, education facility, good thing happening in society, मतलब ये जो सारी चीज़ें होती है हमारी सोसाइटी में, कि हमारी सोसाइटी में क्या अच्छी चीज़ें हो रही है, कौन सी educational facility है और health के awareness का भी हमें पता चल जाता है right? दे हेल्प इन सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट शेप्स लॉन्च फॉर द बेनिफिट ऑफ पीपल। अब देखो ये जो मॉडर्न एडवांटेज ऑफ टेली कम्युनिकेशन और मास मीडिया का हो गया है तो इससे क्या होता है हम सक्सेसफुली इम्प्लीमेंटेशन करते हैं राइट गवर्नमेंट के स्कीम्स पे जो लॉन्च होती है, जो भी न्यू गवर्नमेंट स्कीम्स लॉन्च होती है उसके भी हमें इन्फो मिल जाता है राइट और इससे क्या होता है जो पीपल है उनका क्या होता है बेनिफिट होता है। Awareness can be raised about matters related to food, clothes, shelter, education and health. This improves people's way of life. अब देखो
ये जो एडवांटेजेस है टेलीकम्युनिकेशन के और मास मीडिया की वजह से क्या होता है, हमें जो है बहुत सारी चीज़ें जैसे कि फूड, क्लोथ, शेल्टर, एजुकेशनल हेल्थ, ये सारी क्या हुई है, इम्प्रूव हो गई है, राइट। पीपल्स के वे ऑफ लाइफ में क्या हो गई है, ये सारी चीज़ें जो है वो इम्प्रूव हो गई है। मास मीडिया हेल्प इन द एक्सपांशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री। देखो जो मास मीडिया है वो किस चीज़ में भी हेल्प करता है, एक्सपांड करता है किसको, ट्रेड और इंडस्ट्री को भी। ओके, ये सारे क्या थे, एडवांटेजेस। अब डिसएडवांटेजेस ऑफ टेली कम्युनिकेशन डिवाइस, एक्सेसिव यूज ऑफ टेलीविजन, कंप्यूटर और मोबाइल फोन कॉज डिसऑर्डर ऑफ आईज, ईयर्स एंड बैक। अब देखो अगर कंटिन्यू हम अगर टेलीविजन को देखेंगे या फिर कंप्यूटर यूज़ करेंगे या फिर मोबाइल फ़ोन यूज़ करेंगे, उससे क्या हो जाएगा, हमारी जो आईज है उसमें डिसऑर्डर हो जाएगा, ईयर्स में डिसऑर्डर हो जाएगा और बैक भी जो है वो पेन करने लगेगा। लाइक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर एंड आइसोलेशन एक्सेट्रा आर ऑल्सो पॉसिबल। और देखो ज़्यादा मोबाइल फ़ोन, टीवी और ये कंप्यूटर यूज़ करने से ऐसा भी हो सकता है कि हमको कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हो जाए, राइट। ये सब भी क्या है, पॉसिबल है। वी गेट ऑल सॉर्ट्स ऑफ इंफॉर्मेशन थ्रू टेलीविजन चैनल्स एंड द इंटरनेट। तो देखो हमको सारी इंफॉर्मेशन किससे मिलती है, टेलीविजन चैनल से, राइट। टीवी के जो चैनल्स है उससे मिलती है और इंटरनेट से हमें ये सारी क्या होता है, हमें न्यू इंफॉर्मेशन मिलती है। देर आर इंस्टेंस ऑफ दिस इंफॉर्मेशन बींग मिसयूज टू डिस्टर्ब द पीस एंड ऑर्डर इन सोसाइटी। देखो कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ इन्फॉर्मेशन जो होती है वो मिसयूज हो जाती है। क्यों मिसयूज हो जाती है, ताकि जो सोसाइटी है उसमें क्या कर दे, वो डिस्टर्ब कर दे, पीस जो है सोसाइटी का उसे डिस्टर्ब कर दे। ओके, टाइम स्पेंड ऑन वॉचिंग टेलीविजन लीड्स टू द नेगलेक्ट ऑफ आउटडोर स्पोर्ट्स एंड फिजिकल फिटनेस। अब देखो अगर हम पूरा टाइम अगर टीवी वॉच करेंगे या फिर कंप्यूटर यूज़ करेंगे, मोबाइल फ़ोन यूज़ करेंगे, तो उससे क्या हो जाता है, जो हमारे आउटडोर स्पोर्ट्स है, मतलब हमारी कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती, राइट। हम बाहर आउटडोर स्पोर्ट्स मीन्स बाहर खेलने नहीं जाते, कोई फिजिकल फिटनेस की एक्टिविटी नहीं कर सकते। दिस हैज़ एन एडवर्स इफेक्ट ऑन फिजिकल हेल्थ। तो इससे क्या होगा, जो हमारी फिजिकल हेल्थ है उस पर भी क्या होगा, इफेक्ट पड़ेगा, राइट। क्योंकि क्या करना चाहिए, हमें एक्सरसाइज करना चाहिए, थोड़े गेम्स खेलने चाहिए, राइट, आउटडोर गेम्स। नाउ व्हाट्स द सॉल्यूशन, अब क्या सॉल्यूशन है। व्हेन अमोद हु इज इन द फिफ्थ स्टैंडर्ड कम्स होम आफ्टर स्कूल, ही विजिट्स सर्वल वेबसाइट ऑन हिज कंप्यूटर। अब देखो जो अमोद है, एक अमोद क्या है, अमोद इज़ अ नेम ऑफ अ बॉय, राइट। सो वो जो अमोद है वो कौन सी स्टैंडर्ड में, आपके जैसे फिफ्थ स्टैंडर्ड में है। ओके, ही केम आफ्टर स्कूल, वो जब स्कूल से आता है तो वो क्या करता है, अपने कंप्यूटर पे, अपने पीसी पे सर्वल वेबसाइट्स को क्या करता है, ओपन करता है। ही नेवर मिसेज हिज फेवरेट टीवी शोज़, और उसके साथ साथ वो कभी भी अपने फेवरेट टीवी शोज़ जो आते हैं चैनल पे उसे भी वो कभी मिस नहीं करता। ही प्लेज गेम ऑन हिज मदर मोबाइल फ़ोन ऑल द टाइम, और उसके साथ साथ वो अपनी मम्मा के फ़ोन पे भी क्या करता है, पूरा टाइम गेम खेलता रहता है। He is always sitting at home, और हमेशा क्या करता है, वो घर पे ही बैठा रहता है। Lately, his appetite has decreased. He is drowsy and has put on weight. अब देखो उसकी जो appetite है वो क्या हो गई, इसकी वजह से decrease हो गई, और वो जो है उसका जो weight है वो put on होने लगा, means उसका weight बढ़ने लगा। Amod's mother is worried about him. When will she feel better? अब देखो जो उसकी अमोद की जो मम्मा है वो बहुत उसको लेकर परेशान है, अब उनको कैसे कब फील बेटर होगा, कब उनको अच्छा लगेगा। नाउ ऑलवेज रिमेंबर मीन्स हमेशा याद रखो, टेलीकम्युनिकेशन डिवाइस शुड बी यूज प्रॉपरली एंड सेंसिबली। अब देखो जो ये हम जो यूज़ करते हैं टेलीकम्युनिकेशन डिवाइसेस, जैसे कि फ़ोन हो गया, कंप्यूटर हो गया, राइट, टीवी हो गया, तो ये सारी चीज़ों को हम लोग को लिमिट टाइम के लिए ही यूज़ करना चाहिए और एकदम प्रॉपरली यूज़ करना चाहिए। We must be careful not to use them excessively. हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमको पूरा टाइम ऐसा ना हो कि हम सिर्फ वो ही यूज़ करते रहे। Yes, now, do you know audio visual communication
वी कैनॉट सी ईच अदर वेन वी टॉक ऑन द टेलीफोन. देखो अब जो ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन था उसमें क्या होता था, जब हम दो लोग आपस में बात करते तो एक दूसरे को नहीं देख सकते, राइट. न्यू कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हैज़ मेड इट दिस पॉसिबल ऑन अ मोबाइल फ़ोन टू सी द पर्सन वी आर टॉकिंग टू. लेकिन अब जो न्यू कम्युनिकेशन आया है टेक्नोलॉजी का, उससे क्या होता है कि हम जो दूसरे पर्सन से बात कर रहे हैं उसे देख भी सकते हैं, राइट. नाउ व्हाट वी हैव लर्न्ड, हमने क्या पढ़ा, इंट्रोडक्शन टू द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. क्या पढ़े, इंट्रोडक्शन किसका, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन का. यूज़ ऑफ स्पेस लॉन्च टेक्नोलॉजी फॉर टेली कम्युनिकेशन. अब देखो जो स्पेस लॉन्च टेक्नोलॉजी है टेली कम्युनिकेशन की, उसका यूज़ पढ़े. इंट्रोडक्शन टू मास मीडिया, अब मास मीडिया का कैसे इंट्रोडक्शन है वो पढ़े, राइट. एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ द यूज़ ऑफ मास मीडिया, और जो मास मीडिया के एडवांटेजेस है और डिसएडवांटेजेस है उसे भी हमने देखा, ओके.